पाकिस्तान के बजट से ज्यादा पैसा तो भारतीय बैंड बाजा बारात में फूंक देते हैं। हाँ भाई, इस वेडिंग सीजन में होने वाली है 38 लाख शादियां और इसमें टोटल खर्चा होगा 4,25,000 करोड़। इतने तो जीरो भी गिनने में नहीं आ रहे। भारत की जीडीपी का 2.5% तो शादियां दे देती है। तो भाई साहब, भारत में शादी दो आत्माओं का मिलन नहीं है, इकोनॉमी के लिए च्यवनप्राश है। इस 4.25 लाख करोड़ में से कितना पैसा किस इंडस्ट्री को जाएगा, कितना ज्वेलरी सेक्टर में जाएगा, कितना कपड़े में, कितना इवेंट में और कितना खाने में, देखेंगे डिटेल में। और इन शादियों का बजट कितना है, 1 करोड़ से ऊपर की शादियां कितनी है, 25 लाख से नीचे की शादियां कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी शादी हो रही है, वो भी देखेंगे आज की वीडियो में। और भारत की शादियों में थाईलैंड का इंटरेस्ट क्यों जगा हुआ है, मलेशिया का इंटरेस्ट क्यों है, श्रीलंका क्या कर रहा है, और इन शादी करने वालों को मोदी जी ने दिया है एक शानदार मैसेज अपने मन की बात में, तो क्या है उनके मन की बात, अभी जानेंगे इस वीडियो में। और शादी के सीजन से किस इंडस्ट्री को कितना बूम मिलता है, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी शादियां होती है, सब बताएगा रे तेरा राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो भाई, बात ऐसी है कि इंडियन आदमी है ना, जिंदगी भर पैसा बचाएगा, घिसी हुई चप्पल पहन लेगा, छेद वाला बनियान पहन लेगा, पुराना स्कूटर घिस लेगा, लेकिन जब बात आएगी शादी की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 5 मिठाई से नीचे बात नहीं होगी, बारातियों का स्वागत पान बरात से होगा, चाहे उसके लिए लोन लेना पड़े। भारतीय आदमी बच्चों की पढ़ाई की बात आ जाए और घर में शादी की बात आ जाए, इन दोनों जगह पे बजट नहीं देखता, 20 साल की कमाई एक दिन में फूंक देता है। और जब एक आदमी नहीं लाखों आदमियों की ऐसी ही मेंटेलिटी हो और ये सब लोग एक छोटे समय में शादी करने पे उतर जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी झूम उठती है, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे कपड़े वाला या ज्वेलरी वाला। अभी तो भाई साहब कोरोना काल में जो कसर रह गई थी 2-3 साल की, वो और निकालनी है। सारे भारतीय बदला लेने के मूड में है और आपको 2-3 डाटा से बदला भी समझ में आ जाएगा। करवा चौथ के दिन 15,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। दिवाली का जो एक हफ्ता गया था जिसमें धनतेरस से लेके आपका भाई दूज वाला भी गया, उस दौरान भारतीयों ने खरीदारी की है 3,75,000 करोड़ की। और अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के अकॉर्डिंग पिछले साल 32 लाख शादियां हुई थी जिसमें 3,75,000 करोड़ लगे थे। अब की बार शादी के नंबर और व्यापार दोनों का रिकॉर्ड टूट रहे हैं। शादी की संख्या 38 लाख और बजट लगने वाला है 4,25,000 करोड़। अब गरीब की शादी का बजट और अमीर की शादी का बजट होता तो अलग अलग है ना, तो देखते हैं किस बजट में भारत में कितनी शादियां हो रही है। 1 करोड़ से ऊपर बजट में होने वाली लग्जरी शादियां होगी 50,000। 50 लाख से 1 करोड़ की रेंज में जो होने वाली शादियां हैं वो भी 50,000 ही है। असली जो शादियां, जो बल्क शादियां हैं, वो है कम से कम 6 लाख शादियां ऐसी है जो 25 लाख के बजट में होने वाली है, 12 लाख शादियां ऐसी है जो 10 लाख के बजट में होने वाली है, और एकदम निम्न स्तर पे भी जो सबसे छोटी शादी भी होती है ऐसी कम से कम 10 लाख शादियां हैं जो 6 लाख के बजट में भी होने वाली है। तो देखते हैं किस चीज पे शादी में कितना खर्चा होता है, और आप एक बार गेस करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा शादी का खर्चा किस कमोडिटी पे जाता होगा। तो मैं भी इस पूरे खर्चे को 2 पार्ट में बांटूंगा, गुड्स एंड सर्विस, चीजों पे कितना होता है, सर्विस पे कितना होता है, और फिर उसके अंदर अपन कैटेगरी वाइज आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। गुड्स में सबसे मोटा खर्चा, नंबर 1 खर्चा है ज्वेलरी। इस टोटल अमाउंट का 15% लगभग आदमी ज्वेलरी पे खर्च करता है। तो सेकंड सबसे बड़ा खर्चा होता है कपड़े में 10%, जिसमें आपका टेक्सटाइल, साड़ी, लहंगा, दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, दुल्हन की मम्मी के, पापा के, सबके कपड़े और बाकी जितनी भी चीज आप बोलेंगे वो उसमें आ जाती है। क्योंकि कोई भी एक क्लोज भी शादी होती है तो आप मानो दुल्हे की फैमिली के 50 लोग और दुल्हन की फैमिली के 50 लोग, ये 100 लोग तो नए कपड़े लेते हैं और हर फंक्शन के अलग कपड़े लेते हैं। उसके बाद आता है 5% खर्चा होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, यानी भैया दहेज में बाइक दे रहे हैं, कार दे रहा है, टीवी, फ्रिज, एसी दे रहा है, तो इस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूम मिलता है शादी के दौरान। उसके बाद अगला खर्चा होता है 5% खाने पीने की चीजों में, जैसे जब शादी चल रही है 5 दिन का फंक्शन है, दिन में 3 टाइम खाना हो रहा है, तो ये छोटी मोटी चीजें बहुत सारी, ड्राई फ्रूट लेने में, देने में, आने में जाने में खूब खर्च होते हैं, तो इस इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट शादी के दौरान होता है। 4% आइटम आता है गिफ्ट आइटम, लेने देने में जो भी अलग अलग तरह के गिफ्ट है वो 4% में आते हैं, और बाकी 6% मिसलेनियस आइटम है, तो 50% खर्चा होता है गुड्स पे। अब आती है सर्विस इंडस्ट्री। आपको लग रहा है चीजें बिकती है, नहीं भैया, सर्विस इंडस्ट्री को बहुत मजा आता है। आप मुझे बताइए सर्विस इंडस्ट्री में पहला आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता होगा। सबसे बड़ा खर्चा 12% खर्चा लग जाता है लगभग टेंट डेकोरेशन में, क्योंकि भाई साहब चाहे सगाई का फंक्शन हो, शादी का फंक्शन हो, तीनों फंक्शन की अलग अलग डिजाइनिंग होती है, अलग अलग जगह होती है, रोशनी, दिखना लगना, उस पर बहुत खर्चा होता है। इसके चक्कर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। ऊपर मैंने जितने भी गुड्स बताए वहां पे जितनी भी दुकानें बेचने वाले हैं वो तो व्यापारी, उनके ही वहां पे काम करने वाले, लोडिंग वाले, अनलोडिंग वाले, सेल्समैन, उस फैक्ट्री में उन चीजों को बनाने वाले, प्रोडक्शन में जो एडिशनल प्रेशर आता है सब एडिशनल रूप में बहुत सारा रोजगार भी जनरेट।
बजट होता है। उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री में सेकंड सबसे बड़ा खर्चा होता है फूड का, कैटरिंग का। 70 तरह की मिठाई है, 25 स्टॉले लगी हुई है, टैलेंट काउंटर अलग है, दाल बाटी का काउंटर अलग है, बंदा हाथ में लेके अलग से घूम रहा है, सूप भी पी रहे हो, दूध भी पी रहे हो, मतलब कुल मिला के 20-25 आइटम खाके एवरेज आदमी आता है। तो इसका खर्चा भाई सब कहां जाता है, सर्विस इंडस्ट्री में जाता है। नेक्स्ट 5% जाता है वेन्यू पे, होटल, बैंक्वेट, फार्म हाउस, धर्मशाला, जो भी उस पे खर्चा होता है। नेक्स्ट 5% जाता है इन सभी तामझाम को मैनेज करने वाले इवेंट मैनेजमेंट में। यहाँ पे चाहे आपका महिला संगीत का फंक्शन कराना हो या व्हाटएवर द केस, जो पूरी उसका मैनेज करना, बारात का अरेंजमेंट, इन सभी चीजों में 5% और खर्चा हो जाता है। 4% खर्चा होता है फ्लावर डेकोरेशन में, चाहे आपको वेन्यू सजाना हो, चाहे आपको घर सजाना हो, या एंट्री पूरी लंबी चौड़ी दे रही हो, या दुल्हा दुल्हन की वरमाला हो, हर जगह भाई साहब फ्लावर, वो भी ऑथेंटिक फ्लावर, ये बहुत ज्यादा खर्चा है। तो 4% शादी में ये भी जाता है, और फूल वालों की भी चांदी हो जाती है। मतलब अगर आप गौर से देखेंगे तो बड़े से बड़ा व्यापारी जो एक बड़ा शोरूम लेके बैठा टीवी फ्रिज का, वो भी कमा रहा है, और रोड किनारे जो बैठा हुआ है दरी बिछा के माला बेच रहा है, वो भी कमा रहा है। 3% खर्चा ट्रेवल एंड कैब सर्विसेज में, ये वो बारात इधर जा रही है, बारात उधर जा रही है, इधर हमने बस बुक की, दूल्हे की गाड़ी अलग बुक है, दुल्हन की गाड़ी अलग बुक है, इस जीजा को लेने जाओ और फूफा जी को लेने नहीं गए तो वो नाराज भी हो जाते हैं। तो इनमें 3% में 1.5% खर्चा तो फूफाओं की गाड़ियों का है। 3% खर्चा था ऑर्केस्ट्रा एंड बैंड सर्विसेज का, क्योंकि जो नॉर्मल बैंड आपको 11,000-21,000 में मिल रहा है, शादी के दौरान अच्छे बैंड 2-2.5 लाख में भी जा सकते हैं, और उसके बाद तुम्हें जितना खर्चा करना उतना करो, क्योंकि तुमने करोड़ रुपए की शादी कर दी पर बारात में ढंग से नाचे ही नहीं, तो फिर काहे बात की बारात। और ये नया खर्चा है जो शायद पिछले 10 सालों में आया, इसके पहले तो होता नहीं था लेकिन अब चालू हो गया भाई साहब, फोटो एंड वीडियो शूट। प्री वेडिंग शूट अलग होगा, कैंडिड शूट अलग होगा, दूल्हे का शूट अलग है, दुल्हन का शूट अलग है, लगभग 3% खर्चा इन शूटिंग में जा रहा है। अब इसके बाद होता है 2% मिसलेनियस सर्विस। मिसलेनियस सर्विस में सोशल मीडिया सर्विस भी आजकल लोग ले रहे हैं कि भैया अपनी शादी के वेडिंग कार्ड बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। 2% में कई शादियों में बार बार के भी खर्चे, 2% तो किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता, 2% का तो हिसाब ही नहीं मिलता। आप 50 लाख का अगर शादी करने गए हो तो आपको 1-2 लाख के तो हिसाब ही नहीं मिलेंगे, तो इसने 2% इसी में डाल दिया। ये सारी इंडस्ट्रियां तो थी जो डायरेक्टली इफेक्ट होती है। इसके अलावा इनडायरेक्टली क्या होता है, एक तो इन सभी चीजों की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनके हाथ में पैसा आता है, तो रिपल इफेक्ट काम करता है। रिपल इफेक्ट क्या हुआ था, एक फ्लावर वाला था जो खाली बैठा था, ले शादी के सीजन में अगर उसने 5 लाख रुपए कमा लिए तो क्या करेगा, वो जाके इकोनॉमी में खर्चा करेगा। तो ये जितने भी लोगों ने शादी के जरिए कमाया, अब ये लोग भी तो जाके कहीं आगे खर्चा करेंगे, तो इनका रिपल इफेक्ट इकोनॉमी में लंबे समय तक आता रहेगा, और ये आते आते जब ये कम होगा अगला शादी का सीजन फिर आ जाएगा। इंडियंस अपनी शादी में इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं कि फॉरेन देशों की भी लार टपकती है, अरे इतना खर्चा वहां कर रहे हैं, अगर ये खर्चा हमारे यहाँ पे कर लेते तो हमारी इकोनॉमी में भी बाहर आ जाती। और इसीलिए कई देशों की कार्य, उनके टूरिज्म मंत्रालय इफेक्टिवली वर्क करते हैं कि कैसे इंडियंस को शादी के लिए यहाँ पे बुलाया जाए। अभी तुर्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन वेडिंग्स, और ओपनली वो इंडिया को इनवाइट कर रहा है। थाईलैंड ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, और थाईलैंड की गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट से और दिल्ली मुंबई के वेडिंग प्लानर से टच में है कि ज्यादा से ज्यादा शादियां हमारे यहाँ शिफ्ट करवाएं, और दुनिया भर के इंसेंटिव उनको दे रही है। सेम काम अभी श्रीलंका ने भी किया है, मलेशिया ने भी किया है। अब आप बोलेंगे राहुल जी यार इन देशों को क्या मतलब इधर आके शादी करूं, देखो सर एक बताता हूं आपको, इंडिया की जो HNI पॉपुलेशन यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उनकी संख्या 2021 में भारत में 7,63,674 लोग थे, जो कि बढ़ के 7,97,000 यानी लगभग 8 लाख लोग हो गए, और 2027 तक की संख्या हो जाएगी 16,50,000। और ये जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, ये कहते हैं जितनी शोशेबाजी करनी है हमको इंडिया में हो नहीं पाएगी, हमको तो बाहर जाके जलवे करने हैं। तो इनमें से अगर 2-5% लोग भी बाहर जाके शादियां करते हैं, और एक एवरेज शादी का बजट 20-25 करोड़ रुपए होता है, तो आप देख सकते हैं कि उस इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आता है। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो थाईलैंड का एक बयान को देखने को मिला, इंडियन जितने वहां पे शादी करते हैं थाईलैंड में, उनमें 60% वो इंडियन होते हैं जो है तो भारत के निवासी, सिर्फ शादी करने वहां पे आए थे। दूसरा इंडियन जैसे मान लो जो US में जाके बस गया, वो थाईलैंड आया वो बात अलग है, जो भारत में दिल्ली मुंबई में रहता है वो शादी करके आया 7 दिन, तो वो बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो थाईलैंड और ये जितनी भी गवर्नमेंट है ये अट्रैक्ट कर रही है इनको, और इन्हीं बातों को सुनकर मोदी जी ने अपने मन की बात के पिछले एपिसोड में कहा कि देखो जी जितने भी HNI अल्ट्रा HNI हैं भारतीय, जितना पैसा खर्च कर रहे हो भारत में करो ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल मिले। ये बाहर जाके डेस्टिनेशन शादी करने का जो ट्रेंड है, इसको थोड़ा इनको सीरियसली विचार करना चाहिए, और अपनी शादी में अपने देश को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो भैया ये था इंडियन वेडिंग की इकोनॉमिक्स का पूरा 360 डिग्री व्यू, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसके अंदर पूरी रिसर्च करते हैं और एक एक पहलू आपके सामने लेके आते हैं। और कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपको लगता है कि है तो सामाजिक टॉपिक पर इसकी भी इकोनॉमिक्स समझा दो तो मजा आ जाए, तो भैया अगला वीडियो उस पे लेके आ रहे हैं। बस ये वीडियो में एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, हर फैमिली ग्रुप में पहुंच जाना चाहिए ताकि लोगों को पता पड़े, अंकल चाचा दाऊओं को, कि वो जो जीवन भर पैसा बचा के पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक तरह से खर्चा भी कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, और देश की सेवा भी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।